मराठी दादी सांगा सर क्या बोला क्या आपने अपना आवेदन किया और क्या सर हिंदी में बोल बोल मराठी सांगा सर देखिए ना माननीय भेट माननीय आदरणीय भगतजी पुजारी जी हे महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल आहेत त्यांच्यासोबत आम्ही आणि ज्याच्यामध्ये आम्ही हा मुद्दा मांडलेला आहे की पायल गगोन जी आहे ती दिल्लीमध्ये राहणारी आहे गेल्या 10 वर्षापासून ती मुंबईमध्ये राहत आहे काही फिल्ममध्ये हिंदी फिल्ममध्ये तिने काम केलेलं आहे साऊथ इंडियन फिल्ममध्ये काम केलेलं आहे आणि तिच्यावर काही वर्षापूर्वी तिच्यावर अत्याचार झाला होता परंतु सुशांत सिंग राजपूतचं जे प्रकरण आहे ते पुढं आलं या ठिकाणी कंगनाने काही मुद्दे मांडले आणि तिला मग ते डिरिंग आलं की आपण आपल्यावर झालेला अन्याय हा समोर आणला पाहिजे आणि म्हणून तिनं अनुराग कश्यपच्या विरोधामध्ये तिनं तक्रार शिवराज पोलीस स्टेशनला दिलेली आहे आणि त्याबद्दल माननीय राज्यपालांना निवेदन दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये तिला संरक्षण मिळालं पाहिजे आणि अनुराग कश्यप यांना ताबडतोब पकडलं पाहिजे अशा पद्धतीची मागणी केली आहे सर हिंदी में हिंदी में सर हिंदी में हिंदी में हिंदी में हिंदी में पोलिसांबद्दल काय म्हणाले आणि 8 दिवसांमध्ये अद्याप अनुराग कश्यपला तिथे जे मॅजिस्ट्रेट जे मॅजिस्ट्रेट समोर जे स्टेटमेंट घ्यायचं आहे ते अजून राहिलेलं आहे ते सुद्धा घेतलं पाहिजे तर माननीय राज्यपालांनी सांगितलं की मी गृहमंत्र्यांना बोलतो आणि तिने सांगितलं की मला भीती वाटते आहे मला अनेक लोकांनी फोन येत आहे तुझ्या युवाला लोकांनी शक्यता मला काय त्याचा कोणाचा फोन आला नाही परंतु मला संरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भीती मागणी आहे सर हिंदी में हिंदी में भाई मोबाइल नीचे लो ना थोड़ा यार भाई मोबाइल नीचे लो थोड़ा यार आप राज्यपाल के पास क्यों आई अपने मुंबई पुलिस पर आपको विश्वास नहीं है क्या वजह है कि आप उनको लगा कि आप राज्यपाल से मिले ये सब मेरे जो लीगल है वो बात करेंगे मैं लीगल इश्यूज के बारे में बात नहीं करना चाहती नहीं आपको आश्वासन क्या मिला क्योंकि सिक्योरिटी दिलवाने के लिए बोला आपको जी फ्रेंड और माजी फ्रेंड लीगल के बारे में बोल दूंगा हां तो उन्होंने बोला है कि जो भी आगे करना है हम अपने मेरे तरफ से सब कुछ और क्या बातें हुई आपने बताया क्या वो तो मार पहला ही ये बात है सर ने भी बात की सर से पूछा आपने हाँ वही बात पायल तलाक ने रिचा चड्ढा के खिलाफ भी कंप्लेन फाइल करवाई थी वर्सो पुलिस स्टेशन में उसके पर क्या लीगल इश्यूज के बारे में क्या मामला क्या कल रिचा चड्ढा के बाबरे ने कंप्लेंट शिकायत दर्ज की है कल बलात्कार का एफआईआर दर्ज ना करें इसलिए इनको रिसेंट करने के लिए डराने के लिए ये डिफेमेशन का नोटिस दिया था फिर उन्होंने एनसीडब्ल्यू में उन्होंने शिकायत दर्ज की थी इनके बारे में उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनका अनुराग कश्यप के साथ में कनेक्शन है और अगर ये कनेक्शन है फिर इनको नोटिस क्यों भेज रहे अगर इसमें 3 महिलाओं को इन्होंने नाम लिया था जो आरोपी ने इनके सामने बयान किया था दो महिला जो थी उनको तकलीफ नहीं इसको तकलीफ हुई है क्योंकि इसका उसके साथ में कनेक्शन है और ये हमको क्रिमिनल इंटीमिडेशन कर रही है हमको धमका रही है ताकि तुमको लीगल कॉम्प्लिकेशन में अटका देंगे तुम एफआईआर मत करो आगे मत जाओ और आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन ना लो ये सब उसकी एक कोशिश है नाकामयाब कोशिश है आरोपी की तरफ से उसने अपना एक मोहरा एक प्यादा आगे किया है कि ताकि पायल घोष डर जाए और पीछे हो जाए लेकिन हम डरने वाले नहीं है आगे बढ़ गए आगे बिल्कुल नहीं मैं सब मुझे बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा सेफ नहीं है बहुत रिस्की हो गया हाँ इसी के लिए बात ये है तो पायल आपको
अरे 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 उनके साथ है और जो अन्याय हुआ इस अन्याय के संबंध में उनको न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने अत्याचार किया उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। और राज्यपाल ने हमने बात की है और राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वो गृहमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इस केस को संरक्षण देने के बारे में जरूर विचार करेंगे और जो अन्याय हुआ है उसके लिए महाराष्ट्र के प्रमुख राज्यपाल के नाते कंगना की तरफ क्या को भी अरे भूम नीचे लो ना, भूम नीचे लो। राज्यपाल ने बोला कि मैं सरकार से बात करता हूँ और जरूर मतलब अगर आपको डर है तो जरूर आपकी सुरक्षा के लिए जरूर इंतजाम किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि तुम हमारी बेटी हो और इसको इस लड़ाई को आगे लेके जाना, रुकना मत तुम्हारे साथ। बड़ा पोर्टल मुझे पहले मेरे से इंटरव्यू लिया था लेकिन उन लोगों ने छपवाया भी नहीं था। उसके बाद मैं जब चढ़ गई थी मेरी फ्रेंड को बताया कि अरे ये लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सच है कि गलत, तो फिर मुझे भी ऐसे कोई चैनल नहीं, एक पोर्टल है जहाँ पे उन्होंने मेरे पास मेरे मुझसे सब कुछ जानने के बाद उनको इन्फॉर्म कर। थैंक यू। बाय बाय। वेट वेट अंजलि आपके साथ में देखिए जमा करिए पायल, बाद में करते हैं, बस बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पायल पायल।